Hello friend and welcome to the new video and right now it's 2:30 और आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड 2:30 को मेरी दुकान आज शट डाउन कर दिया है मैंने शटर एक और बस लास्ट शटर बचा हुआ है बिकॉज आज एक फैमिली ट्रिप स्टार्ट हो रही है सब लोग जा रहे हैं घर से सो या आई एम वेरी एक्साइटेड एंड अगेन हम लोग जा रहे हैं उज्जैन तो अभी हमारी ट्रेन है सबसे पहले 5:30 बजे जो कि वो मैं अपना देसी थोड़ा इंडियन जुगाड़ लगा के आत्री स्टेशन से ग्वालियर स्टेशन तक जो आगरा टू झांसी झांसी टू आगरा पैसेंजर जाती है उससे हम लोग आत्री से ग्वालियर तक जाएंगे देन हमारी जो ट्रेन है उज्जैन के लिए एक्चुअल वो है 7:40 को तो वो हमको उससे पहले पहुँचा देगी और ट्रेन ग्वालियर से ही रन करती है यानी स्टार्ट होती है तो हम लोग ऑन टाइम रहेंगे बढ़िया से जाके अपनी सीट पर जाएंगे और मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ थोड़ा नर्वस हूँ जो सबको होता होगा आई थिंक क्योंकि जो जब तक ट्रेन में नहीं पहुँच जाते ना तब तक थोड़ा सा ऐसे हो रहा है मेरा और या बाकी सब ऑल गुड और बहुत अच्छा लग रहा है सारी फैमिली संग में होती है तो मज़ा आ जाता है या वेलकम वंस अगेन तो आज देवउठनी ग्यारस है और देवउठनी ग्यारस को सभी को बहुत बहुत बधाई और आज पूजा जल्दी हो गई है वो भी हमारे कारण क्योंकि हम लोग अभी निकल रहे हैं वैसे पूजा रात के 8-9 बजे तक होती है जी के घर पे पूजा संपन्न हो गई है बस पैकिंग फाइनल हो गई है और अभी निकलना है थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी मैं आ गया हूँ अभी आती स्टेशन और आप देख रहे हो मैं अकेला हूँ बिल्कुल क्योंकि सब लोग दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं और रौनक अभी घर जा रहा था तो मैंने उससे लिफ्ट ले ली दैट्स व्हाई मैं अभी अकेला हूँ और बस वो पीछे ही आ रहे हैं सब लोग सो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी ट्रेन यहाँ पे है 5:30 बजे देन उसके बाद ग्वालियर ग्वालियर से है 8 बजे तो मिलते हैं ग्वालियर तो सब लोग आ गए हैं और फोटो सेशन यहीं पर थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है और पार्थ और पापा का नेचर थोड़ा सेम है क्योंकि सब लोग पार्थ जल्दी जल्दी बोल रहा है कब आएगी ट्रेन और फोटो सेशन स्टार्ट है और ये हमारा तीसरा टाइम है कि ये इस वाले प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है बट यहाँ पे हमेशा हमको ट्रेन खड़ी मिलती है तो हमको उधर जाके उधर से नीचे उतरना पड़ेगा देन हम फिर ट्रेन में जाएंगे सो या अब फाइनली हम ग्वालियर में मिलेंगे सो राइट नाउ इट्स 10:30 और हम लोग अभी सीपरी रेलवे स्टेशन पर और इतना ज़्यादा काम ख़राब हो गया था ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मैं ये पूरी स्टोरी अभी नहीं बता सकता बिकॉज मैं ट्रेन के बाहर हूँ और बहुत पंगा हो गया था हम लोग कैसे कैसे करके ट्रेन में चढ़े हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेन हमारे सामने खड़ी थी पर हम लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था कि ये हमारी ट्रेन नहीं है हमारी ट्रेन अभी आने वाली है और हम लोग ग्वालियर स्टेशन पर ट्रेन के सामने ही खड़े थे तो जब हमको पता चला कि यही हमारी ट्रेन है तब तक ट्रेन चालू हो गई थी तो देन हमने जैसे तैसे चैन पुलिंग की और उसके बाद ट्रेन में चढ़े बहुत पंगा हुआ मैं आपको पूरा स्टोरी बाद में बताऊँगा तो राइट नाउ अपडेट ये है कि 10:30 और हम लोग सीपरी पहुँच चुके हैं और ट्रेन यहाँ पे बहुत देर से खड़ी हुई है गुड टू गो और बाबा को दर्शन देने थे मैं अकेला ट्रेन में चढ़ गया था और सब लोग बाहर थे सो मैं बता दूँ आपको बाद में सो राइट नाउ इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग एंड वी आर एट उज्जैन रेलवे स्टेशन और ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से 1.5 घंटे लेट चल रही है हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं रास्ते में बहुत ठंडक हो गई थी हम लोगों के हिसाब से अपने थोड़े वस्त्र कम लाए थे बट अभी आ गए और बाहर निकल के होटल फिगर आउट करना है देन बाबा जी के दर्शन हमारा होटल चेक इन डन हो गया वो जस्ट पीछे हमारा होटल है और सामने से लेफ्ट टर्न लेके अंदर मंदिर के कॉरिडोर में जा सकते हैं तो मैं बस जस्ट वहाँ तक जा रहा हूँ सब लोग फ्रेश हो रहे हैं और नहा के फिर मैं भी जाऊंगा अभी सब लोग नंबर लगे हुए हैं सबके और जब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोकल मार्केट में देख रहा हूँ अभी तक कुछ बंद है और उसके बाद दर्शन करने जाएंगे तो हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए और ये पीछे महाकाल का तिलक हो रहा है क्या कर रहा है राय
हर हर महादेव। तो हम लोग अभी आ गए हैं महाकाल गेट पे, यहाँ से एंट्री है और यहाँ से स्पेशल एंट्री जो कि जल्दी दर्शन करा के जाएंगे, बट हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और आज सुरभि का बर्थडे भी है, तो आज सुरभि बर्थडे पे महाकाल जी के दर्शन करेगी। ये बड़ी स्क्रीन पे महाकाल के दर्शन हो रहे हैं और पापा मम्मी अंशु वो आगे चले गए क्योंकि वो लोग होटल में जल्दी रेडी हो गए थे, तो अब वो लोग जल्दी निकल गए और हम लोग अभी जा रहे हैं, जस्ट लाइन में एंटर होने वाले हैं और समथिंग एक घंटे के आसपास लगेगा दर्शन करके बाहर आने में। बोलो जय महाकाल। अब आ गए मेन लाइन में और मोबाइल कभी भी सबमिट हो सकता है, लाइन काफ़ी लंबी है। मैं मोबाइल अंदर रख रहा हूँ साइलेंट करके और दर्शन के बाद मिलेंगे। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, ये जो लाइन है और ये सही है सर, यहाँ से एंट्री हुई है हमारी। मोबाइल अंदर रखना पड़ेगा, यहाँ से आगे मोबाइल अलाउ नहीं है। और अपना कुछ ऐसा है सामने ये भीड़। महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं और अब इस प्रांगण में आ गए हैं। यहाँ पे इधर ओमकारेश्वर भगवान के मंदिर और भी काफ़ी सारे मंदिर हैं और बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बहुत अच्छे दर्शन। जय महाकाल। और मम्मी पापा सब लोग अलग अलग मंदिर में हैं सभी लोग, और मैं यहाँ घूम रहा हूँ और यहाँ पे ये मेरे पीछे गणेश जी का मंदिर है। तो राइट नाउ इट्स 2:15 और अब हम आ गए कैलाश भैया की ई रिक्शा में सभी लोग, और हम लोग 5 पॉइंट कवर करने वाले हैं जिसमें 5ों मंदिर हैं और मैं पर्टिकुलर मंदिर पे जाके आपको उसका बताऊंगा। और अभी मेन मार्केट से जा रहे हैं, सबसे पहले गढ़ कालका और काल भैरव है ना भैया, हाँ, तो ये 2 मंदिर अभी हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद फिर 3 जगह और जाएंगे, देन उसके बाद रामघाट, सिप्रा नदी की आरती, गुड टू गो। तो हम लोग अभी आ गए गढ़काल का मंदिर और थोड़ा सोडा पी के गैस बाहर निकाल दी है और मंदिर के अंदर दर्शन करने जा रहे हैं। गढ़काल का शक्तिपीठ के दर्शन हो गए और हम लोग बाहर आ गए, दर्शन जल्दी से हो गए, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो ये मेरे पीछे है माता का मंदिर और सभी लोग दोबारा ई रिक्शा में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छा मंदिर था, सब लोग अपनी विशेस लिख रहे थे मंदिर के ऊपर, हमने मांग ली, हमने लिखी नहीं, जय माई की। और ये भी एक शक्तिपीठ में से एक है, गढ़काल का माता का मंदिर। और हम लोग अभी आ गए हैं श्री काल भैरव जी के मंदिर पे, और इनको जैन के कोतवाल भी बोलते हैं जैसा अभी उन्होंने बताया, जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद खरीदा। और यहाँ पे जो अपने दुख संकट सब कुछ ये बाबा के मंदिर में छोड़ के जाने हैं, उनने ऐसा बोला है, तो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया और अभी अंदर जा रहे हैं। और ये पूरा ऐसे आगे से चल के जाना, और वो मेन एंट्रेंस है उधर पीछे और उधर से ही एग्ज़िट है। तो मंदिर में अंदर जाके दर्शन करके फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है। जैसे जैसे मैं मंदिर के अंदर जाता जा रहा हूँ, तो मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं बट बहुत ही ये जो मन्नत के धागे हैं, ये इतने सारे हैं ना, दोनों साइड जो बैरिकेड्स हैं उनमें बंधे हुए, तो भगवान लोगों जितने लोगों को भी ये धागे बंधे सबकी मन्नत पूरी हो, ऐसी मैं मन्नत मांग रहा हूँ। तो ये है काल भैरव मंदिर की लाइन में सभी लोग, पापा और बहुत टाइम लग गया है यहाँ पे। तो फाइनली 1 घंटे बाद हम लोगों को दर्शन हो गए और हम लोग अब मंदिर के बाहर आ गए हैं, और सामने कहीं हमारे जो भैया ई रिक्शे वाले वो खड़े हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। अब यहाँ से अगले डेस्टिनेशन पे भैया बताएंगे कहाँ जाएंगे। हमारी 3री डेस्टिनेशन है सिद्धवट मंदिर, यहाँ पे सिद्धवट भगवान का मंदिर है और घाट भी है, तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो मेरे पीछे ये जो मंदिर है इधर, ये है सिद्धवट जी का मंदिर और ये है पीछे सिप्रा नदी उनके घाट, यहाँ पे लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं और हमारे दर्शन हो गए यहाँ से। सो बस जस हम लोग अभी बाहर जाएंगे। तो हम लोग अभी आ गए हैं मंगलनाथ टेम्पल, ये मेरे पीछे उसका एंट्रेंस गेट, और ये भी शिव जी का ही मंदिर है एक और,
और देन इसके बाद जाएंगे हम संदीपनी आश्रम, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने और सुदामा जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, वहीं पर उनकी मृत्युता भी हुई थी। तो हम लोग को गए मंगलनाथ, भगवान जी के दर्शन हो गए। ये यहाँ पे उधम मचा रही है और सब लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो ये है मंगलनाथ मंदिर का प्रांगण। अब इसके बाद जाएंगे हम लोग संदीपनी आश्रम। तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन की स्टोरी कुछ इस तरह रही कि हम लोग ग्वालियर स्टेशन पे टाइम पे पहुंच गए थे और ट्रेन हमारे जस्ट सामने खड़ी थी, रतलाम ग्वालियर एक्सप्रेस। तो हमको कन्फ्यूजन ये हो गया कि हमने ट्रेन का नाम नहीं पढ़ा, ट्रेन का नंबर नहीं पढ़ा। तो ट्रेन का टाइम था 7:40। तो जैसे ही 7:40 हुए तो मैंने कहा ये ट्रेन भी नहीं जा रही है और हमारी वाली ट्रेन भी नहीं आई। फिर जो डिस्प्ले पे उसका नंबर जब आया तो सब हम लोग भड़बड़ा के जल्दी से अपने कोच के लिए भागे। S2 हमारा कोच था और हमारे सामने जो कोच था वो B2 था। तो हम लोग अगर चाहते तो B2 में एंटर हो सकते थे, बट हमने सोचा कि शायद हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएँ। बट ट्रेन इतने ही बीच में चालू हो गई और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेन में केवल मैं था और सुरभि चढ़ गई थी। तो मैंने सबको देख के मैं ट्रेन में से कूदा तो मैं स्टेशन पे गिर भी गया था। देन सुरभि ने चैन प्रूव की और मैंने TT को रिक्वेस्ट किया कि पुलिस भी आ गई थी वहाँ पे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आ गई थी। सुरभि की रिकॉर्डिंग वगैरह की उन्होंने और फिर मैंने TT को बोला कि प्लीज़ सर प्लीज़ ट्रेन रुकवा दीजिए। तो उन्होंने वॉकी टॉकी से और चैन भी पुल हो गई थी, दैट्स वाई ट्रेन रुक गई और हम लोग ट्रेन में एंटर कर पाए। और इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा वो संदीपनी आश्रम वाला, वो अगले उसमें। सो फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय।